A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Disease and the Cure. Disease ka matlab hota hai bimari aur cure ka matlab hota hai ilaj. On China's zero COVID strategy. Aur filhal China ne अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत चाइना क्या फॉलो कर रहा है, जीरो कोविड, यानी कि चाइना के अंदर एक भी केस कोविड का नहीं होना चाहिए, जिसके तहत उसने फिलहाल देखा जाए तो कुछ उसके जो प्रमुख शहर है वहां पर उसने लॉकडाउन लगा दिया है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. China should reconsider. China को दोबारा से पुनः विचार करना चाहिए किस बात के ऊपर, its zero COVID strategy, जिसके तहत China ने क्या किया है, अपनी zero COVID जो strategy है, रणनीति है, उसको China को दोबारा से विचार करना चाहिए. And follow science while opening up. और जिस तरीके से उसने अपने कुछ प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाया है, वो लॉकडाउन को क्या होना चाहिए, उस लॉकडाउन को खोल देना चाहिए एक तरीके से. और जब लॉकडाउन खोला जाए तो चाइना को क्या करना चाहिए, साइंस को फॉलो करना चाहिए, विज्ञान को फॉलो करना चाहिए. और ये जो स्ट्रिजेंट एक तरीके से बहुत एक कठोर एक लॉकडाउन लगाया है तो उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए. फॉर द पास्ट टू वीक्स, पिछले दो हफ्तों से अगर देखा जाए, चाइना हैज लॉकडाउन शंघाई. शंघाई एक बहुत ही फेमस एक जगह है चाइना की. तो चाइना ने क्या किया है, अपना जो एक अपना एक एक फेमस एक सिटी है शंघाई, जो उसकी फाइनेंशियल सिटी कह सकते हो, जिसको आप उसका एक आर्थिक एक सेंटर कह सकते हो चाइना का, वहां पर चाइना ने क्या किया है, अभी लॉकडाउन लगा दिया है. मोस्ट ऑफ इट्स 26 मिलियन रेजिडेंट्स, और चाइना के कम से कम अगर देखा जाए 26 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, कन्फाइंड टू देयर अपार्टमेंट्स, और उनको कहीं ना कहीं अपने अपार्टमेंट में क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है. शंघाई के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है, चाइना ने उसको लगाया है. हैव कंप्लेन, और ये जो 26 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेन की है, शिकायत की है, ऑफ अक्यूट फूड स्टोरेज, देखो शॉर्टेज. और कहीं ना कहीं जो 26 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं शंघाई के अंदर, जो अभी लॉकडाउन लगा है, वहां पर 26 मिलियन रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो फिलहाल अक्यूट कह सकते हो, बहुत ही एक तीव्र कह सकते हो फूड शॉर्टेज, और वहां पर बहुत ही खाने की कमी देखने को मिल रही है, गहरी कमी दिखाई पड़ रही है खाने को लेकर, उसकी शॉर्टेज दिखाई पड़ रही है. द गवर्नमेंट, और चाइना गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, हैज स्ट्रगल्ड, और उसने भी संघर्ष किया है, टू सप्लाई एवरी हाउस होल्ड विद डेली नेसेसिटीज. और कहीं ना कहीं जो चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रही है, जिससे कि वो ये जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, नेसेसिटी की जो चीजें, उनकी सप्लाई कर सके. और लेकिन चाइना इस मामले में फेल रही है एक तरीके से, और 26 मिलियन जो लोग हैं शंघाई के, वो अभी बेचारे बिना खाने के उनको जीना पड़ रहा है, वहां पर शॉर्टेज दिखाई पड़ रही है खाने की. विद द सप्लाई चेन पैरालाइज्ड, और कहीं ना कहीं चाइना की जो सप्लाई चेन है वो क्या हो गई, एक तरीके से पंगू हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है, कहीं ना कहीं लकवा मार चुकी है, बाय चाइना स्ट्रीजेंट मेजर्स. क्योंकि चाइना ने फिलहाल क्या किया, बहुत ही स्ट्रीजेंट, बहुत ही हार्ड, बहुत सख्त उसने क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए हैं, मेजर्स लिए हैं, अंडर विच एवरी कोविड 19 केस, हर एक कोविड 19 केस को देखते हुए चाइना ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, इवन इफ असिस्टमेटिक. असिम्प्टोमेटिक का मतलब हो गया एक तरीके से विदाउट शोइंग सिम्टम्स, यानी वो सारे के सारे पेशेंट्स जिनके अंदर कोविड का इन्फेक्टेड है लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक है, यानी उनके सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. तो चाइना ने हर एक कोविड केस को क्या किया, बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से लिया है. एंड इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब सीमित कर देना, इन गवर्नमेंट रन क्वारंटीन फैसिलिटीज, और उन सभी को गवर्नमेंट रन सरकार द्वारा चलाए गए जो क्वारंटीन जो फैसिलिटी है वहां पर उनको क्या रहना पड़ेगा. तो चाइना ने बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रीजेंट लॉकडाउन लगाया है, और एक बहुत ही हार्ड एक
पॉलिसी स्टार्ट की है जिसके तहत चाइना के अंदर जीरो कोविड केस होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना का जो एक स्ट्रीजेंट जो लॉकडाउन है और ये स्ट्रेटेजी है वो फायदा कम देते हुए दिखाई पड़ रही है, बल्कि लोगों को थोड़ा परेशानी ज्यादा देते हुए दिखाई पड़ रही है। फूड शॉर्टेजेस आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम, और चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो खाने की जो कमी है सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है। मैनी हैव सेड, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, दे आर रनिंग शॉर्ट आउट ऑफ मेडिसिन, कि चाइना के अंदर सिर्फ फूड की कमी नहीं है बल्कि मेडिसिन की भी कमी है। चिल्ड्रन हु टेस्टेड पॉजिटिव हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, और वो बच्चे जो कि पॉजिटिव हुए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको पेरेंट्स से अलग कर दिया गया है। द क्राइसिस, और ये जो संकट हैज नाउ इग्नाइटेड, इग्नाइट का मतलब हो गया स्टिम्युलेटेड, उकसा देना और भी ज्यादा बढ़ जाना, अ डिबेट ऑन वेदर, और ये जो क्राइसिस है चाइना के अंदर जो बना हुआ है जो क्राइसिस, इसने क्या कर दिया है, एक विवाद को हवा दे दिया, एक तरीके से विवाद को पैदा कर दिया है। क्या विवाद है वो, वेदर दिस स्ट्रेटेजी, क्या ये जो स्ट्रेटेजी जो चाइना ने बनाई है जीरो कोविड स्ट्रेटेजी की बात की गई है, दैट इनेबल्ड चाइना टू अवॉइड अ मेजर सेकेंड वेव, जिसके तहत चाइना ने क्या किया, हर एक कोविड पॉजिटिव को क्वारंटीन पीरियड में डाल दिया है और बहुत ही स्ट्रीजेंट मेजर्स लिए गए हैं, जिससे कि चाइना के अंदर जीरो कोविड केसेस होने चाहिए और जिससे चाइना क्या कर सके, सेकेंड वेव को अवॉइड कर सके। स्टिल रिमेन्स रेलिवेंट वेन मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज रिटर्न टू सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलसी थैंक्स टू वैक्सीन। हालांकि देखा जाए तो चाइना ने क्या किया, अभी फुल एक लॉकडाउन लगाया है शंघाई के अंदर और बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया है, और चाइना ने मतलब ये उस टाइम लगाया जब पूरी की पूरी दुनिया अगर देखा जाए, चाइना को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो वर्ल्ड है वो नॉर्मलिसी का मतलब हो गया सामान्य, वहां पर सारी चीजें सामान्य हो गई है थैंक्स टू वैक्सीन। और मतलब अगर देखा जाए ये जो नॉर्मलिसी जो आई है चाइना को छोड़कर अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन के तहत ही आई है, वैक्सीन की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो क्या चाइना का ये जो स्टेप लेना जीरो कोविड स्ट्रेटेजी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर चीजें क्या अभी फिलहाल नॉर्मल हो गई है, तो क्या ये चाइना का ये जो डिसीजन है रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? चाइना इज द ओनली कंट्री स्टिल क्लोज ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया अभी फिलहाल नॉर्मल हो चुकी है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन चाइना फिलहाल क्या है, क्लोज ऑफ, चाइना ने खुद को बंद किया हुआ है, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो क्या ये चाइना का जो स्टेप है क्या वो बिल्कुल ठीक है, क्या वो रेलिवेंट है, तो ये चीज देखने वाली होगी। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले शुड रिकंसिडर, देखो शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और रिकंसिडर आपका वी वन हो गया। इसके बाद देखते हैं चाइना सिंगुलर सब्जेक्ट से हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मैनी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स अगर बात की जाए, मैनी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव कंप्लेन आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज प्लस स्ट्रगल्ड आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इज कन्फाइंड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। दे प्लूरल है और आर रनिंग आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका क्या है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, वैसे हु यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज होती है। यहाँ पे वी टू आपने यूज किया है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है और उसके बाद हैव बीन सेपरेटेड, हैव बीन सेपरेटेड आपका क्या है, ये देखो चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए आपने हैव बीन सेपरेटेड यहाँ पर यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू अवॉइड आपका टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। Now let us move on to our second slide. Science, संकेत जो है ना, our Beijing has no intention of changing course. और जिस तरीके से Beijing, यानी चाइना अपने संकेत दे रहा है तो वो अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करने वाला है। वो मतलब अभी फिलहाल उसने लॉकडाउन जो लगाया हुआ है वो उस स्ट्रेटेजी को फिलहाल चेंज करने के मोड में चाइना नहीं दिखाई पड़ रहा है। द ऑफिशियल शिंगुआ न्यूज एजेंसी ऑन संडे, तो ये जो न्यूज एजेंसी है उसने संडे को रिबटेड, रिबटेड का मतलब होता है रिफ्यूटेड, जिसको खारिज करना, क्रिटिसिज्म ओवर द पॉलिसी, और जो पॉलिसी फिलहाल चाइना ने लगाई है जिसके तहत डायनेमिक जीरो कोविड अप्रोच, जिसके जिसके तहत मतलब चाइना ने इस बात को
अपनाया है कि चाइना के अंदर कोई भी केस कोविड का नहीं रहेगा रिमेन्स क्रूशियल। और वहां के जो न्यूज एजेंसी है उस न्यूज एजेंसी ने बताया कि चाइना के लिए जो जीरो कोविड जो पॉलिसी है अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से इसका क्रिटिसिज्म किया उस क्रिटिसिज्म का कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल शिंगुआ न्यूज एजेंसी है उसने उसका क्या किया, खंडन किया या उसको खारिज करते हुए कहा कि चाइना अभी भी अपना जीरो कोविड अप्रोच के साथ बना रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एंड द रेप्रिकॉशंस, रेप्रिकॉशंस का मतलब हो गया एक तरीके से उसके जो प्रतिक्रिया है, उसके जो एक तरीके से रिजल्ट्स है, रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम एक्शंस, मतलब जो एक्शंस है कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके ऑफ लॉवरिंग द गार्ड। और जिस तरीके से अगर देखा जाए लॉवरिंग द गार्ड का मतलब हो गया एक तरीके से प्रोटेक्शन कुड बी डिजास्ट्रस फॉर 1.4 बिलियन पीपल। और अगर चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि अगर वो चाइना जो है अगर वो अपनी प्रोटेक्शन को कम करता है तो इससे 1.4 बिलियन लोग जो कि इंक्लूडिंग 267 मिलियन एस्ट 60 और अबव, यानी 1.4 बिलियन और जिसके अंदर 267 मिलियन जो 60 या 60 से ऊपर लोग हैं चाइना के अंदर उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। With these numbers और इतने बड़े नंबर के साथ it argued और ये जो न्यूज एजेंसी है उसने इस बात पर आर्ग्यू करते हुए कहा कि चाइनाज मेडिकल सिस्टम वुड रिस्क अ कोलैप्स। और अगर इसी तरीके से मतलब रहा तो चाइना का जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, ढह सकता है, क्योंकि फिलहाल चाइना के अंदर मेडिसिन की भी कमी दिखाई पड़ती है। चाइनीज ऑफिशियल पॉइंट टू हांगकॉन्ग एक्सपीरियंस, और चाइनीज जो ऑफिशियल है उन्होंने हांगकॉन्ग के एक्सपीरियंस की तरफ इशारा करते हुए कहा आफ्टर टू सक्सेसफुल जीरो कोविड ईयर, दो सालों तक सालों की बात की जाए, दैट अलाउड फॉर नॉर्मलसी एंड ओमिक्रॉन आउटब्रेक दिस ईयर लेड टू 8,000 deaths there। और यहाँ पर अगर हांगकांग की अगर बात की जाए तो हांगकांग में हालांकि हांगकांग की अगर बात की जाए तो वहां पर जीरो कोविड ईयर्स थे, यानी वहां पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन जब आया तो ओमिक्रॉन आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का एकदम से स्टार्ट हो जाना, कोई बीमारी भी हो सकती है, आग का एकदम भड़क जाना तो आउटब्रेक कह सकते हैं। और जैसे ही मतलब दो साल तक हांगकांग के अंदर कोई ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ओमिक्रॉन आया तो वहां पर 8,000 डेथ्स देखने को मिली। तो चाइना ने इस बात को एक हवाला देते हुए कहा कि इसी बात के तहत मतलब चाइना ने क्या किया है, अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हुए हर बंदे को वैक्सीनेट करने की बात, और एट द सेम टाइम जितने भी लोग मतलब इन्फेक्टेड है उनको क्वारंटीन किया जाएगा, और जिसके तहत फिलहाल चाइना ने शंघाई के अंदर लॉकडाउन भी लगाया है। मोस्ट और अनवैक्सीनेटेड एल्डरली रेजिडेंट्स, और ज्यादातर जो लोग थे वो एल्डर्स थे, मतलब अगर हांगकांग की बात की जाए अनवैक्सीनेटेड जिन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। बीजिंग नाउ फाइंड इट्सेल्फ इन अ बिंड, और बीजिंग अपने आप को अभी एक बंधन में पाता है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। ओपनिंग अप, अगर मतलब चाइना ये जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया अगर वो लॉकडाउन को ओपन करता है, इट इज फियर्ड, इस बात का डर है, वुड मीन मैनी डेथ्स अमंग दी एल्डरली हु हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड। तो चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है, बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया है, और अगर अगर ये लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाता है तो चांसेस रहेंगे कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनकी बहुत सारी डेथ्स वहां पर देखने को मिल सकती है। तो चाइना के लिए ये भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। हाउएवर, हालांकि एक्सपर्ट से मतलब जो एक्सपर्ट है उन लोगों का ऐसा मानना है, वन मेजर रीजन फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी इज द जीरो कोविड स्ट्रेटेजी विद द वाइड परसेप्शन दैट रिस्क फ्रॉम वैक्सीन आउटवे द रिस्क ऑफ कैचिंग कोविड जीरो कोविड इन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है लोगों का जो वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी बना हुआ है, जो मिस्ट्रस्ट बना हुआ है, वो क्या है कि जीरो कोविड स्ट्रेटेजी को चाइना अगर फॉलो करना चाहता है तो हर एक इंसान को वैक्सीनेट करना होगा, लेकिन लोगों के अंदर ये एक परसेप्शन बनी हुई है, एक विचारधारा बनी हुई है कि मतलब कोविड का जो इम्पैक्ट है, कोविड वायरस से जो मतलब जो
हार्म है, जो नुकसान होता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान किससे होने वाला है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान कोविड की वैक्सीन से होने वाला है। तो इसी वजह से लोगों के अंदर फिलहाल भी हेजिटेंसी बनी हुई है, वो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग आगे आकर वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं। चाइना के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इन अ सेंस। और अगर एक अर्थों में समझा जाए, सही अर्थों में समझा जाए, हैज बिकम विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। और कहीं ना कहीं, और ये जो कोविड की अगर बात की जाए, जो चाइना जो जिस पॉलिसी के तहत बात कर रहे हैं, तो कोविड क्या है, हालांकि चाइना जीरो कोविड की बात कर रहे हैं, तो ये जो चाइना क्या है, अपनी सफलता के लिए खुद ही क्या बन गया, एक तरीके से विक्टिम बन चुका है। पॉलिटिक्स आल्सो एज मच एज ए फैक्टर इन पब्लिक हेल्थ। और जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो भी लोगों के, आम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती है कि जिस तरह की पॉलिसी होती है वो पॉलिसी भी जो आम इंसान जो होते हैं उनके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल चाइना की अगर बात की जाए, तो चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लगाने की बात कही है, लेकिन उसको इसका क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहते हैं, उनको अभी भी वैक्सीन के लिए डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, अविश्वास बना हुआ है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ। आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने चेंजिंग यूज कर लिया जो कि वी1 प्लस आईएनजी है, जो कि आपका जीरेंड हो गया। कुड बी डिजास्ट्रस, डिजास्टर आपका वैसे एडजेक्टिव है जो का जिसका मतलब होता बहुत ही ज्यादा भयानक विनाशकारी। मोस्ट आपका मोस्ट वर अनवैक्सीनेटेड, मोस्ट यहाँ पे प्लूरल आपका वर वैक्सीनेटेड, आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने मीन यूज कर लिया जो कि वी वन है। और हु हैव रिफ्यूज्ड, अब देखो यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से यहाँ पर पहले यूज किया गया है एल्डरली जो कि प्लूरल है यहाँ पर, और हैव रिफ्यूज्ड यूज किया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्ब यहाँ पे एल्डरली यानी प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की गई है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। फॉर टू इयर्स, पिछले दो सालों से अगर देखा जाए, चाइना गवर्नमेंट हैज हेल्ड इट्स मॉडल। हेल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से कंसिडर करना, समझना, इट्स मॉडल एज कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्ट। और कहीं ना कहीं मतलब चाइना ने जो, चाइना का जो मॉडल है, किसको लेकर चाइना का जो मॉडल है, गिव मी वन सेकेंड, और जो चाइना का जो मॉडल है किसको लेकर, कोविड को रोकने को लेकर, तो चाइना को, और चाइना ने हमेशा से अपने मॉडल को जो वेस्टर्न जो कंट्री है उसके बिल्कुल अपोजिट माना है। विच सो हाई डेथ्स एंड कंटिन्यूज टू टेल इट्स पॉपुलेशन, और वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर बहुत ज्यादा डेथ्स भी देखने को मिली है, और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो लगातार अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को ये बात कहने के लिए लगी हुई है दैट कोविड इज ए डेंजरस डिजीज, कि कोविड एक बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है दैट रिक्वायर्स एवरीवन टू बी हॉस्पिटलाइज, और जिसके तहत हर एक इंसान जो कि क्या है, अगर जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना की स्ट्रेटेजी से बिल्कुल डिफरेंट है। चेंजिंग कोर्स नाउ, और अगर चाइना क्या करता, अपनी इस दिशा को चेंज करता है, वुड नॉट सूट द नरेटिव, और अगर चाइना मतलब कहीं ना कहीं अपनी इस दिशा को चेंज करता है तो ये इस नरेटिव के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, पर्टिकुलरली विथ प्रेजिडेंट एक्स, ओके प्रेजिडेंट जी फ्रेमिंग चाइनाज कोविड रिस्पॉन्स एज वन ऑफ हिज लेगेसी। और जिस तरीके से चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी इस मतलब स्ट्रेटेजी को एक लेगेसी की तरह यूज किया है, एक विरासत की तरह यूज किया है, जिसको बी क्वेस्ट कह सकते हैं, तो वो अपनी इस स्ट्रेटेजी को चेंज करना नहीं चाहेंगे, कंटिन्यूइंग ऑन दी करंट पाथ। और अगर फिलहाल अगर चाइना देखा जाए, अगर इसी पाथ के ऊपर, इसी रस्ते के ऊपर चलते हैं, हाउ एवर विल ब्रिंग राइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट, तो ऑब्वियसली बात है इससे उसकी आर्थिक और जो सामाजिक जो कोस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रादर देन ट्रम्पेट जीरो कोविड एंड क्रिटिसाइज लिविंग विद द वायरस इज इररिस्पॉन्सिबल। और चाइना के फिलहाल अगर देखा जाए जो जीरो कोविड जो स्ट्रेटेजी है, एट द सेम टाइम इस बात को क्रिटिसाइज करना कि वायरस के साथ जीना, ये जो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है चाइना की वो इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि बात की जाए कोविड जीरो कोविड की, तो ठीक है, अच्छी बात है कि जीरो कोविड को, लेकिन उससे लोगों की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चाइना ने जीरो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, जीरो कोविड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, उसका बेनिफिट कम बल्कि लोगों को उसका नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है।
चाइना वुड बी बेटर सर्व, चाइना मतलब अच्छे तरीके से सर्व कर पाएगी कब, लुकिंग एट द एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज, उन सभी देशों की तरफ अगर देखा जाए, चाइना अगर उन देशों का उदाहरण लेती है दैट सक्सेसफुली ओपन अप, जिन्होंने क्या किया है लॉकडाउन को बहुत सक्सेसफुल तरीके से स्टार्ट, लॉकडाउन को हटाकर अपनी जो नॉर्मलिसी है, जो रोजमर्रा की जो चीजें उनको दोबारा से स्टार्ट किया है, एंड फॉलो द साइंस, जिन्होंने साइंस को फॉलो किया है, एज इन सिंगापुर, सिंगापुर का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, विच अग्रेसिवली वैक्सीनेटेड इट्स पीपल, इट्स पॉपुलेशन, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से सिंगापुर ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया, उनको टीकाकरण किया, एंड इंसेंटिवाइज्ड, इंसेंटिवाइज्ड का मतलब इंस्पायर करना, प्रेरित करना इट टू डू सो बाय सेटिंग अ टाइम टेबल फॉर ओपनिंग, और जिससे कि मतलब उसने क्या किया, लॉकडाउन को ओपन करने के लिए भी टाइम टेबल को सेट किया, जिसके तहत उसने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत लॉकडाउन को हटाया, लोगों को वैक्सीनेट किया। तो इसी तरीके से चाइना को भी क्या करना चाहिए था, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए था, लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए था, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की जानी चाहिए थी, अदरवाइज द कंटिन्यूड सफरिंग इन शंघाई हैज शॉन, और जिस तरीके से जो सफरिंग देखने को मिल रही है कोविड के, लगातार जो केसेस शंघाई के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत चाइना ने वहां पर लॉकडाउन लगा दिया है, द क्योर रिस्क, मतलब जो क्योर का मतलब जो इलाज, इलाज से संबंधित जो रिस्क बने हुए हैं, बिकमिंग वर्स देन द डिजीज, यानी कहीं ना कहीं जो कुछ जीरो कोविड जो पॉलिसी के तहत मतलब लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, एट द सेम टाइम जो क्योर रिस्क की अगर बात की जाए, वैक्सीन से, वैक्सीन को लेकर लोगों के, लोगों को जो एक मिस्ट्रस्ट बना हुआ है, लोगों को जो डर है वो क्या हो सकता, और भी ज्यादा खराब हो सकता है दैट डिजीज, यानी कोविड, कोविड इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, बल्कि लोगों के दिलों में कोविड की वैक्सीन को लेकर जो अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वो और भी ज्यादा खराब है, और भी ज्यादा बदतर है। तो कहीं ना कहीं चाइना को अपने जीरो कोविड पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जिससे कि जो आम इंसान है उसकी जिंदगी ज्यादा इंपैक्ट ना हो और कोविड को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। So it was a wonderful article. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो, to be hospitalized, 2 plus V1, वैसे 2 plus V1 ये आपका infinitive हो गया, उसके बाद अपने V3 use कर लिया, जो कि infinitive passive structure है, will bring ये आपका future indefinite हो गया, China singular subject है, उसके बाद would आपने जो model verb use किया, उसके बाद be plus third form use किया, जो कि passive structure हो गया, by आपका preposition हो गया, और उसके बाद अपने setting use कर लिया, जो कि gerund है आपका, और was आपका comparative degree है, और comparative degree के साथ आप then use कर लेते हैं, right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.